जी आज है 15 तारीख और एक फिश मर गई है। ये देखो मैं कल रात को दिखा रही थी ना कि ये मरने वाली है, लग रही थी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐसे वो ले रही थी, मुँह खोल रही थी, पर ये मर चुकी है। अभी देखो सुबह देखा ना तो बिल्कुल मर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। बट पता नहीं, मैं ट्विंकल से बात भी कीजिए, मैं बोल रही थी ना कि ट्विंकल से बात करूंगी, मैंने कहा था ना कि मैं ट्विंकल से बात करती हूँ, कुछ बताई मैंने बात करी, फिर ट्विंकल यही बोली कि इनकी ना थोड़ी एज भी छोटी ही रहती है तो हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया होगा। बाकी तो जी ऐसा कुछ लगा नहीं, खाना वाना टाइम से दे रहे हैं या कुछ ज्यादा खा गई हूँ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। पर ये एक फिश मर चुकी है, बोले कि कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछ रही थी कुछ मैं कर सकती हूँ क्या इसको, तो बोले कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, या तो इसका टाइम भी इतना होगा, हो सकता है ये जैसे साइज रहता है ना इनका कितने उसका रहता है, तो बोले कि इसका टाइम हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा, मतलब पता नहीं, पर मतलब ये वो हो गई अभी क्या बोलूँ मैं, और बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे घर में ही रहती थी तो बिल्कुल वैसे ही लगने लग रही थी। मुझे नहीं पता अभी आपको मैं दिखा रही हूँ आप कैसा सोचोगे, बट मैं सोची कि ये भी एक चीज़, अभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे सब चीज़ें शेयर करनी होती हैं, तो कोई किस तरह से लेगा इस बात को, कोई किस तरह से लेगा पता नहीं अभी। तो जी ये है, तो अभी हम इसको ऐसे वो नहीं करेंगे, उनसे ही हमने पूछा था तो भैया ने बोला कि इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे जाके जैसे मिट्टी थोड़ा खोद के और मिट्टी में दबा दो इसको, ऐसे ही नहीं फेंकना कहीं भी। तो अभी हस्बैंड जाएंगे, इसको मैंने निकाल लिया पानी से, हस्बैंड जाएंगे थोड़ा मिट्टी खोद के नीचे, इधर थोड़ा जैसे होगा ना जहाँ पे आते जाते नहीं है वहाँ पे मिट्टी खोद के और इसको दबा के आ जाएंगे, तो ये करते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसका अंतिम संस्कार करने, और हमने ये बड़ी सी फॉक वाली चम्मच ली है खड्डा खोदने के लिए। हम नीचे आ गए, ये यहाँ पे हम मिट्टी की खोज कर रहे हैं खोदने के लिए। जी ये मिल गई है, यहाँ से जिसे खोदते हैं, चल जिसे हो जा शुरू। खोदते खोदते हमें देखो क्या मिला, मेरे सामने ही बैठा है एक कीड़ा, पता नहीं ये किस टाइप का कीड़ा है, गोल 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 गोल, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ नहीं ये स्ट्रेट कीड़ा है, गोल होके बैठा पड़ा है ये, गड्ढा खुद गया है, अब हम इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, कैसे घूर घूर के देख रही है। अब इसको दबा दो, चलो जी ये काम हो गया। लेकिन ना माना जाता है कि जब मछली जाती है ना तो घर से तो कुछ बुरा ही लेके जाती है। जी जब पापा ने हमको ना सुबह जगाया तो अब बोला कि मछली का वो करने जाना है, तो हमको लगा कि हाँ हमें जल्दी उठाने की अच्छा ही देखे कि यार वो बुराई लेके गई है देर तक सोने की। अब हम चल पड़े हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी, हम पर जी दया है ऊपर वाले की, आप सभी का आशीर्वाद है। तबियत पानी तो जी एकदम बढ़िया है, बस थोड़ा सा फिश का ही हुआ है, कोई नहीं दिन की शुरुआत थोड़ी सी मतलब वैसे भी कोई नहीं, फिर भी अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, छोटी मोटी मतलब ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं दिन को, और ये जी काटने पीटने लग गया है निशु, तो पता नहीं क्या काटी पिट्टी कर रहा है, ये बैलून का वो था कवर, इस पर बैलून आए थे इसके, ये क्या कर रहा है, अरे अरे काट रहा है इसको। और ये जी मैंने लिया है, ठीक है ये फ्लैक्स सीड जेल है, ये लिया योशी के बालों में लगाऊंगी आज, कई दिन हो गए कुछ नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा मैंने ये डाला है नारियल का तेल डाल दिया इसमें थोड़ा सा, तो ये अब लगाती हूँ योशी के बालों में। सुबह 10 बजे योशी ने कॉम कर लिया, योशी का हेयर वॉश होगा तो मैंने इसमें तेल डाला, इसलिए फिर ना शैम्पू से बाल धोऊंगी इसके, क्योंकि कई दिन हो गया, संडे है तो बाल धुलने हैं, तो मैं सोची इसीलिए बालों में कुछ लगा भी देती हूँ। तो ये फ्लैक्स सीड जेल इसमें मैंने तेल डाल लिया, अब इसको इसके बालों पर अप्लाई करती हूँ। अभी देखो ऐसे फिर ये धो लेगी ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हुए कैसे नहीं, देखो ऐसे बाल है, तो थोड़ा उधर उजाड़े में ये देखो जी, कर ली तो है ही ऐसे है। तो लगाती हूँ जी इसके बालों में पहले, हाँ रुको ना, ये देखो जी मैंने इसके बालों पे लगा दिया ऐसे अच्छे से ना, चिपक गए यार बाल, अभी तो बहुत सिल्की लग रहे हैं, फ्लेक्सी जल रहता है ना सिल्की, धोने के बाद देखते हैं क्या कैसा रहेगा। तो पूरे बालों में लगा दिया ऊपर से नीचे तक, और अब इस तरह से बांध लेंगे,
ये बांध दिया रवि, एक दो घंटे ऐसे ही रहने दूंगी फिर इसका एयरब्रश करूंगी। थोड़े से कितने बाल टूटे रहे, एक, वैसे ये कॉम करके आई थी अभी, होंगे जी 5-7 बाल तो होंगे, नहीं 10 बाल होंगे, ये देख 10 बाल टूटे होंगे योशी के लगभग। चलो जी, सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, बज चुके हैं 10, तो मैं पाइनएप्पल काट रही हूँ, काट के रख दूँगी, जिसको जो खाना होगा खा लेगा, फिर मैं अपना कुछ और काम देखूँगी। चीटी आ गई, ये ऑरेंज वगैरह ये कल की छिली रखी है, खाई ना खाएंगे देखेंगे। और ये इधर तरबूज काट दे, सुबह सुबह का है फ्रूट, और आज दोपहर में एक चीज़ है ये, दोपहर के लिए दोपहर बनेंगे जी आज दही बड़े। तो मैंने रात को दाल भिगोई थी, सुबह इसको पीस के रख दिया है, और बनाऊँगी लगभग 12 बजे से बनाऊँगी, तब तक ये अच्छे से थोड़ा फर्मेंट हो जाएगी मतलब, तो ये रख दिया, तो अभी ये काटती हूँ। कई दिन से ना जी दही बहुत ज्यादा हो रहा था, तो दही ना खा नहीं रहे थे, और दूध आ जाता था, दूध भी नहीं ले रहे थे, तो जमाना तो पड़ता ही था, तो फिर मैं सोची कि दही बड़े बना लेती हूँ, कई दिन हो गए। वैसे भी निशु पसंद करती है, कई बार बोल दिया उसने, तो मैं दही बड़े, वो जिस दिन खाना होगा उस दिन बोलेंगे, बेटा दाल वाल भिगो, उसमें तो टाइम लगता है ना जी, तो फिर मुझे याद आ गया कि दही बड़े ही बना लेती हूँ, तो कल रात को मैंने दाल भिगो दी थी, अभी काटते हैं ना, खाने में अच्छा लगे है, काटना थोड़ा सा हो रही है, मेरे से तो ऐसे कटते भी नहीं, देखो तो इतना तो इसमें ही जा रहा है। अरे भाई निशु, उसको अलार्म बज गया, हाँ फिर इसको खाना दे, क्या अलार्म बज रहा है, जा काट दिया जी। ये निशु तो ऐसा भी नहीं खाएगी, ये भी, ये भी निकालना पड़ेगा, ये मैं खाऊंगी या इसके पापा खाएंगे, बच्चे इनका मन करेगा जिसमें बिल्कुल ये नहीं दिखेगा ना वो खाएंगी। काटने का ही झंझट होता है, ये कट गया, अब मैं इसको ऐसे काट लूंगी, ऐसे, अब ऐसे ये उठाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ये बीच का तो टाइट रहता है, ये तो खाया नहीं जाएगा, चारों तरफ का खा लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये काट दीजिए, ये हटा दिया, ये कट गया, और काटेंगे जी चिक्कू और रखें, ये भी चिक्कू वगैरह ये भी ऐसी चीजें रहती है, थोड़ा ज्यादा वो हो जाती है, खराब हो जाती है, और इन सब चीजों में से क्या है, ये पाइनएप्पल, तरबूज और चिक्कू में से सबसे फेवरेट चीज ये है चिक्कू, चिक्कू मेरे सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं तो यही खाऊंगी, इनको जो खाना होगा खा लेंगे सब लोग मिलके, चल रहे चिक्कू तो मेरा फेवरेट है, बहुत ही यम्मी लगता है मेरे को, तो अब इसको छील लेंगे, इसको भी छील के रख दूंगी फिर खा लेंगे। तो जी हम ना लेफ्ट और राइट खेलेंगे खाने के लिए, क्योंकि फिर वही खाने वाले हैं, ये तीन चीजें हैं, चिक्कू रह गया था, तो इन तीन और इशू, तो इन तीनों चीजों का हम लेफ्ट एंड राइट करेंगे, जो चूज हुआ वो बंदा वो खाएगा। मेरा भी चिक्कू, पता नहीं निशु को चीकू पसंद क्यों नहीं, इतने तो अच्छे होते हैं, हम लेफ्ट एंड राइट खेल रहे हैं। ये जी आज एक गेम हो रहा है, ये मैंने 4 फ्रूट काट के रखे हैं, जिसमें है ये अनानास है, चीकू है और तरबूज है, और ये ऑरेंज है। निशु को चिक्कू बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तीनों चीजें तो वो खा लेगी, तो अभी हम एक गेम करेंगे। योशी इधर, योशी के पास फोन रहेगा, ये निशु इधर ऐसे बैठी है, पीछे बैठूंगा ऐसे, तो मैं इसके पीछे से हाथ में प्लेट लूंगी, तो इससे पूछेंगे इसको कौन सा खाना, कौन से राइट की लेफ्ट, जो इसको मिलेगा वो खाना, अगर चिक्कू आ गया तो वो भी खाना पड़ेगा, ठीक है, ले योशी, देखना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, चलो स्टार्ट, मैं निशु पे नजर रख रहा हूँ, ऊपर आंख मत कर, आंख नीचे, हाँ निशु बोलो लेफ्ट की राइट, राइट, ये तो इसको अच्छा मिल गया, ये मुझे चल, अगर आज कुछ भी आए ना वो खाना है तेरे को, ठीक है, मैं चॉइस एकदम आपने वैसी ली है कि टिश्यू की, तो इसको लेफ्ट की राइट, ओह माय गॉश, ले देखना नहीं आप उधर को रखो, मैं अपने आप लूंगा, दोनों गिनती है, इसको लेफ्ट की राइट संभाल के खाना पड़ेगा। ये रोनी जी ने गेम, अब भाई मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी।
मेरी बारी आ गई है। आज योशी की बारी है, योशी से पूछेंगे। योशी वो खाना पड़ेगा। हाँ मेरे लिए सब चलेगा, सब चलेगा। तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है? मेरा चीकू बोलो लेफ्ट की राइट। ऑरेंज, ऑरेंज खाना है तेरे को, और पाइन एप्पल खाने को नहीं दिया जाएगा। ओके योशी का फेवरेट है चीकू, देख रहे चीकू आता है कि नहीं। योशी लेफ्ट की राइट बोलो, राइट। ओह माय गॉड, योशी का उसका फेवरेट मिल गया जी, चीकू उसका फेवरेट है। मैं नहा लियो निशुन, नहा चुकी है। ये है आज का मस्त खाना, दही वड़े, उनके ऊपर चटनी सॉस और ये दूसरी चटनी, इतना अच्छा बनाया ना, मुंह में देखते पानी आ गया। तो फिर चलिए खाना शुरू करते हैं। खा रहे तो मैंने क्या, हर एक में अलग अलग चटनी, अलग अलग चीज़ें, एक नॉर्मल मीठी वाली चटनी, मिर्ची वाली चटनी, सॉस खाना। और सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगा मीठी वाली चटनी के साथ, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, फिर सॉस में कुछ ज़्यादा खास स्वाद आया नहीं। तो फिर ये मिर्ची वाली चटनी सॉस और ये, तो मतलब जैसे होड़ों में लगाया है ये, इसके ऊपर पता नहीं जीरा था, चाट मसाला क्या था, ज्यादा शाम के 4 बजे ये देखो जी, मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे खेलने जाना है, 4 बजे जल्दी करना पड़ेगा। कर क्या रही है वो तो देखो, ये डब्बे इतने अच्छे कलर था, इनपे इतने अच्छे थे और सब पे कलर पोते दिया। अब कलर है ना इसके पास, देखो इतने अच्छे डब्बे थे और क्या करना था इन डब्बों को, ये कचरे में ही जाएंगे, सब पे ये कलर पोते दिया चारों तरफ, किधर किधर लगा दिया, पता होता है क्या? अच्छा अरे तो कलर तो वेस्ट कर रहा है ये, क्या कर रहा है, तो इतने अच्छे तो थे ये, किसी और चीज पे कर दे, कपड़े गंदे करेगी। अरे ये देखो 3-3 कटोरियों में से पानी भर के बैठी है, अरे कलर खत्म हो जाएंगे ना, तब मेरे कलर खत्म हो गए और लाके दो, और अभी इन पे करने लग रही है, ऐसी है जी। ये 4 बज गए तो चाय का टाइम हो गया, हंस तो कोम भी नहीं का बाढ़, देखो बहुत बढ़ रहे हैं, और दही बड़े इतने खा लिए ना, पेट को सांस नहीं आ रहा है, पेट मोटा ना हो जाए। कुछ दिन से ना ऐसा खाना चल रहा है, 2-3 बार तो चूरमा बन लिया जी, ये बनाना दिखे, एक बार हमने पराठे बन गए आलू के पराठे, वो भी ज्यादा खाए जाए, आज ये दही बड़े हो गए। पर कुछ दिनों से खाना ना ऐसे चल रहा है कि ज्यादा वाला, पर ये है कि मैं शाम को नहीं खाती हूँ फिर, या बहुत हल्का खाती हूँ शाम को, तो ठीक है ना, तो पेट फूल जाए जरूर, मोटा हो जाए। तो अभी चाय का टाइम हो गया, चाय पीने तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन नहीं ननद के पी थी, पर मन कर रहा है, मैंने नहीं बनाई ना, अच्छी बनाई थी ननद ने, मतलब वैसे नहीं, मतलब वैसे बता रही, मैंने घर पर नहीं बनाई मतलब। तो आज चाय बनाते हैं मसाले वाली अच्छी सी कड़क सी, और चाय पीते हैं। रात के 7 बजे जी बच्चे गए थे स्विमिंग के लिए, अभी आ गए हैं रात हुए। देखो ये पार्टी के लिए योशी ने बोला था ना कि समोसे जलेबी की पार्टी चाहिए, तो लेके आए हैं समोसे और जलेबी। मेरे से पूछा था, मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं, आज दोपहर में इतनी ज्यादा दही बड़े खा लिए ना, पेट बिल्कुल टुल है, अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है, दूध की भी नहीं है, शाम को चाय पी ली। तो ये लोग खाएंगे, इसमें समोसे हैं, इसमें जलेबी है, इसके पापा भी नहीं खाएंगे, दोनों बहनें खाएंगी, तो बस इतने लेके आई, अभी दोनों नहा रही है, तो ये दोनों अभी नहा रही है आके, थोड़े से बर्तन पड़े हैं चाय वाय के, और ट्विंकल बोल रही है आने के लिए, फिर बोल रही है कि इसकी बुआजी के पास चल एक बार, भाई सिलाई का ही कुछ, उसका उसके भाई की शादी है, तो इसलिए वो थोड़े कपड़े ना सिलवा रही है अभी, तो बार बार आना जाना हो रहा है, तो आ जाएगी तो पहले बात करेगी वो इसकी बुआजी से, अगर बात हो जाती है तो फिर जाएंगे, तो फिर इसकी बुआजी के जाना है। 7 बज गए हैं, और खाना पीना तो मेरे को कुछ नहीं है, बस ये बर्तन धोने का काम है, ये लोग समोसे जलेबी खा लेंगे, उसके बाद बस सोने का काम रहेगा, तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते। ये देखो बच्चा पार्टी आ गई है, बड़ी बड़ी सी नहीं लग रही आपको, पार्टी भी आ गई है, हम सस्पेंस रख रहे हैं, जब पार्टी का बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही बन जाएगा वीडियो आएगी उस वीडियो को देख लेना, लेकिन हम नहीं बताएंगे कौन सी वीडियो में, इसलिए हर एक वीडियो देखते रहना। जब ड्रेस पूरी फाइनल रेडी हो जाएगी ना, तो फिर यही लेकर आऊंगी, फिर दिखाऊंगी वीडियो बनाना कैसा लगा, फिर बताना, ठीक है? तो गाइस हर एक वीडियो देखते रहना, क्योंकि किसी भी वीडियो में हो सकता है। मम्मी बर्तन धो रही है, अभी जो उतरे हमारे पार्क को देखो कितना सुंदर कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। मैं जा रही हूँ ट्विंकल के साथ ननद के घर पे, अभी 2:10 अभी हम चले इसकी बुआजी के घर से, अंधेरा हो गया है। टिया, निशु, योशी, ट्विंकल और मैं, तो जी आज का व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, आज के व्लॉग को खत्म करेंगे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अरे बोलो रे पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राम राम जी। सारी देख रहे हैं।